किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि नहीं कोई बात होती फिर भी बात होती है। कुछ रिश्तों की ऐसे भी शुरुआत होती है, रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम या खुशी में साथ दे, रिश्ते तो वो हैं जो अपनेपन का एहसास दे। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की, एक ऐसी कहानी की जो बताती है कि रिश्ता खून से या जज्बातों से नहीं होता। सबसे बड़ा रिश्ता जो होता है वो दर्द का रिश्ता होता है। जब हम किसी के दर्द को समझने लगते हैं, वही रिश्ता जिंदगी का सबसे बड़ा रिश्ता होता है। एक दिन की बात है कि एक बूढ़ा पोस्टमैन जो होता है, या आप कह सकते हैं कुरियर बॉय जो होता है, वो एक घर का दरवाजा खटखटाता है और उससे कहता है कि अपना लेटर जो है वो ले लो। बहुत देर से वो दरवाजा खटखटा रहा होता है लेकिन वहां से कोई नहीं आता। 5 मिनट हो जाते हैं, उसे गुस्सा आने लगता है कि कैसे लोग हैं, इतनी गर्मी में इतनी धूप में मैं खड़ा हूं तब भी अपना लेटर नहीं लेने आ रहे, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पोस्ट थी इसलिए उस पर साइन होने बहुत जरूरी थे। अंदर से एक लड़की की आवाज आती है कि यदि आपको लेट हो रहा है तो आप पोस्टमैन अंकल, आप जो लेटर है वो वहीं छोड़ जाएं क्योंकि मेरे घर में कोई भी नहीं है। तो पोस्टमैन कहता है ठीक है, तुम आ जाओ क्योंकि इस पे साइन होने जरूरी है। 10 मिनट के बाद दरवाजा खुलता है, एक लड़की उसमें से बाहर आती है। पोस्टमैन थोड़ा गुस्से में था, चिल्लाने ही वाला था कि वो देखता है कि उस लड़की के पैर नहीं है। वो चुप हो जाता है, वो उस बच्ची से कहता है कि तुम यहाँ पे साइन कर दो और उसके बाद उसे लेटर देके वो चला जाता है। धीरे धीरे जब भी पोस्टमैन लेटर लेके आता था वो चुपचाप खड़ा रहता था, उस लड़की का वेट करता था और वो लड़की भी चुपचाप आती थी और लेटर लेके चली जाती थी। वो लड़की उस बड़े से घर में अकेले रहती थी क्योंकि उसके मम्मी पापा दोनों ही काम पे चले जाते थे। दिन में उसके साथ एक नौकरानी रहती थी और वो अक्सर लड़की बालकनी में बैठी रहती थी क्योंकि उसका मन नहीं लगता था। एक बार की बात है कि बारिश हो रही होती है और वो देखती है कि वो पोस्टमैन जो है उनके दरवाजे पे आकर फिर से लेटर देता है, तो उसकी नजर उस पोस्टमैन के पैरों पे पड़ती है जिसमें उसने चप्पल पहन रखी थी और वो जो चप्पल थी वो टूट रही थी। उसे देखकर उसे दया आ जाती है उस लड़की को और वो लड़की अपनी मेट से कहती है कि इस अंकल ने जहां पे कीचड़ में अपने पैर रखे हैं तुम उसके फुटप्रिंट ले आओ, और वो मेट उसके फुटप्रिंट ले आती है और वो बच्ची उस पोस्टमैन के लिए एक जूते बनने का ऑर्डर दे देती है। कुछ दिन बाद दिवाली का त्यौहार आता है और पोस्टमैन के पास फिर से एक लेटर उस लड़की के घर के लिए आता है। अब पोस्टमैन को भी उस बच्ची के प्रति थोड़ी सहानुभूति हो जाती है। पोस्टमैन सोचता है कि दिवाली का त्योहार है, क्यों ना मैं बच्ची के लिए कुछ गिफ्ट ले चलूं। लेकिन उसकी पॉकेट भी खाली थी, लेकिन उसने सोचा चलो कुछ नहीं तो मैं एक चॉकलेट का एक पैकेट ही ले लूं, और वो बाजार से एक चॉकलेट का पैकेट लेकर उस बच्ची के घर जाता है। वो उसका इंतजार करता है, वो लड़की आती है तो वो उसे लेटर के साथ वो छोटे से चॉकलेट का डिब्बा भी देता है और कहता है बेटा इसे दिवाली का गिफ्ट समझ के रख लेना। लड़की कहती है ठीक है अंकल मैं इसे रख लूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि एक गिफ्ट मैं भी आपको देना चाहती हूँ और आप उसके लिए मना नहीं करोगे। पोस्टमैन कहता है ठीक है। वो लड़की अंदर जाती है और वो जूतों का जो डिब्बा होता है जो उसने उसके लिए बनवाया होता है वो पोस्टमैन को दे देती है। पोस्टमैन पहले तो ना करता है कि बेटा मैं तुमसे गिफ्ट कैसे ले सकता हूँ, लेकिन जब लड़की कहती है कि अंकल मैं ये गिफ्ट आपका तभी लूंगी जब आप मेरा गिफ्ट ले लेंगे, तो वो उस गिफ्ट को ले लेता है और उसके सिर पे हाथ फेरते हुए चला जाता है। अगले दिन जब वो पोस्टमैन उस डब्बे को खोलता है तो वो हैरान रह जाता है कि उसके अंदर एक जूते का पेयर था और उसकी जो आंखें थी वो पानी से भर जाती हैं, आंसू उसकी आंखों में भर जाते हैं। और अगले दिन वो पोस्टमैन सीधे अपने अधिकारी के पास पहुंचता और कहता है कि आप मेरा ट्रांसफर किसी और एरिया में करा दें, मैं आज के बाद कभी भी उस घर में लेटर देने नहीं जाऊंगा। उससे उसका अधिकारी पूछता है कि ऐसी क्या बात हो गई कि तुम उस इलाके में नहीं जाना चाहते हो। तो वो पोस्टमैन अपने अधिकारी से कहता है कि उस छोटी सी बच्ची ने मुझे टूटे हुए चप्पलों में देखकर मेरे लिए जूते तो बनवा दिए, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उस बच्ची को उसके पैर वापस कर सकूं। और इतना कहते हुए वो आंसुओं से उसकी आंखें जो होती हैं वो भर जाती हैं। तो कहते हैं ना दोस्तों कि किसी के दर्द को महसूस करना, उसके दर्द को जीना सबसे बड़ी चीज होती है इस दुनिया में।
एक रिश्ता किसी चीज से कायम नहीं होता, एक रिश्ता तब कायम होता है, और एक आप सच्चे अर्थ में आपके अंदर मानवता तब आती है जब आप किसी के दर्द को समझने लगते हैं, और जब आपको दूसरे के दर्द को देखकर खुशी का अनुभव हो, तो याद रखिए कि ईश्वर ने आपको बनाकर बहुत बड़ी गलती की। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा जो रिश्ता होता है वो दर्द का ही होता है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का रिश्ता होता है। याद रखे दोस्तों कि हम वो काम नहीं करना चाहिए कि जिससे खुदा मिले, लेकिन वो काम जरूर करना चाहिए जिससे दुआ मिले। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे इष्ट मित्रों से शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर